सादर प्रणाम। आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे अपने वीडियोस में मौलिक अधिकारों को, तो लास्ट वीडियो में हमने समानता के अधिकार को पढ़ा था। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में। हम जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, और स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, यानी कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक बताया गया है स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में। जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 कुल 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं के विषय में बताया गया है, यानी कि एक तरीके से कहें तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उनके विषय में यहाँ पर बताया गया है। देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत जो यहाँ पर 6 तरीके की स्वतंत्रताओं के विषय में बताया गया है, उसमें पहली है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से मतलब है बोलने की और विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता। ये बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 1 के पहले उपखंड में। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है, जो ये संविधान के अनुसार यानी कि अनुच्छेद 19 1 के अनुसार कहा गया है कि जो भारत का नागरिक है, यानी कि प्रत्येक नागरिक को बोलने की और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, यानी कि जो व्यक्ति भारत के अंदर निवास करता है वो अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। लेकिन इसके दूसरे भाग के अनुसार यानी कि अनुच्छेद 19 2 के अनुसार यहाँ पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। प्रतिबंध लगाने का अर्थ ये है कि यदि ये अभिव्यक्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए नुकसानदायक होती है तो उसे प्रतिबंधित किया गया है। दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करें जो इसके अंतर्गत कहा गया है, जैसे स्वतंत्रता को जो व्यक्तिगत या निजी स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत 6 जो उपबंध किए गए हैं, यानी कि जो 6 बातों को यहाँ पर बताया गया है। दूसरा इसके अंतर्गत है सम्मेलन की स्वतंत्रता। भारतीय नागरिक को सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन यहाँ पर सम्मेलन करते समय हथियारों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यानी कि हथियारों के बिना सम्मेलन करने की अनुमति है, और ये बोला गया है अनुच्छेद 19 1 के ख भाग में। तीसरा इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को यदि वो संघ बनाना चाहता है या संघ में शामिल होना चाहता है, किसी संगठन में शामिल होना चाहता है, तो उसे संघ बनाने की भी स्वतंत्रता है। ये इससे संबंधित बताया गया है अनुच्छेद 1 के ही अगले भाग में, यानी कि 1 ग में। भारत के नागरिक को पूरे भारत के भीतर कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, यानी कि भारत की सीमाओं के भीतर वो कहीं भी घूम सकता है। तो घूमने की स्वतंत्रता के विषय में कहा है अनुच्छेद 19 1 के अगले भाग यानी कि घ में। ठीक है, अगले उपबंध में, उपखंड में। लेकिन यहाँ पर कुछ अनुच्छेद 370 जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है, उससे संबंधित कुछ प्रतिबंध है। बाकी सभी में प्रतिबंध है कि यदि देश की एकता और अखंडता को किसी तरीके का नुकसान हो रहा है तो यहाँ पर इस संविधान के अंतर्गत जो यहाँ पर मौलिक अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है, उसे रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है। भारत में कहीं भी निवास की स्वतंत्रता है। फिर से यहाँ पर बात करेंगे अनुच्छेद 370 की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ये लागू नहीं होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में यानी कि जो धारा 370 है जिसपे पहले वीडियो भी बना चुके हैं हम, उसके अनुसार जम्मू कश्मीर के भीतर किसी भी बाहरी राज्य के व्यक्ति को वहां पर संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा पूरे भारत के भीतर कहीं भी निवास की स्वतंत्रता है। मान लीजिए आप मुंबई रहते हैं, एक उदाहरण मान लेते हैं। अब आपका मन करता है कुछ सालों के बाद कि आप मुंबई से शिफ्ट हो जाएं और किसी और राज्य में अपना घर बना लें, तो हमारा संविधान हमें इस बात की अनुमति देता है कि हम भारत की सीमाओं के भीतर कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी संपत्ति खरीद सकते हैं, मतलब कहीं भी अपना घर बना सकते हैं। अगली जो बात इसमें कही गई है, अगले उपबंध के अनुसार, अगले खंड उपखंड के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को
ये अधिकार है कि वो कोई भी रोजगार, कोई भी व्यापार यानी कि आजीविका का यानी कि अर्निंग का कोई भी सोर्सेज को वो चुनाव कर सकता है, वो किसी भी स्रोत के माध्यम से यहाँ पर जो अपनी आजीविका के साधनों को आगे बढ़ा सकता है। इसके बाद क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो पहला उपखंड इसके अंतर्गत दिया गया था, इसमें ये कहा गया कि विचारों को व्यक्त करने के लिए जितने भी साधन होते हैं उन साधनों का व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता की बात यहाँ पर कहेंगे हम, क्योंकि जो ध्यान आ रहा है इसलिए इसे दोबारा कहने की प्रयास किया है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, सकल पेपर्स मिल्स बनाम भारत संघ का मामला था 1965 का, वो प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के अंतर्गत माना गया। कहीं भी राष्ट्रध्वज फहराने की या विज्ञापन की स्वतंत्रता, जानने की स्वतंत्रता यानी कि अधिकार के अंतर्गत है, जानने का अधिकार हुआ, मतदाता को सूचना का अधिकार होता है या चुप रहने का अधिकार है, सूचना और समाचारों को जानने का अधिकार है, विदेश जाने का अधिकार है, ये सब यहाँ पर प्रदर्शन करने का अधिकार है, प्री सेंसरशिप होती है उसका अधिकार है, तो ये सब यहाँ पर क्या कहा गया है इसके अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। सम्मेलन की स्वतंत्रता जो दूसरे भाग में हमने कहा वो है, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता जो हमने चौथे भाग में कहा, कहीं भी अजय सब जून आ रहा है, छुट्टियां आ रही हैं या जो भी आपका ईयर में जो भी एक टाइम पीरियड होता होगा जब वेकेशन होते हैं, तो उस दौरान आप फ्री हैं, भारत के अंदर कहीं भी घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज का विशेष ध्यान देना होगा, इसमें रिस्ट्रिक्शन इसलिए है कि किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के आधार पर उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है, यानी कि ऐसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया में अगर आप जाना चाहते हैं जहां पर जाने की अनुमति नहीं है, उस समय आपको ये अधिकार नहीं है कि आप वहां पर रह सके। अगला है जो इसका 19A का ही अगला यानी कि पांचवें भाग की बात करें, तो इसमें कहीं भी जो निवास है उसके निवास करने की स्वतंत्रता है, कुछ अपवाद अलग वाली बात है, वो अपवाद बोले हमने जैसे जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में है। फिर रोजगार की जो अनुमति है, रोजगार की अनुमति दी गई है 19(1)(6) के अनुसार, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का कारोबार कर सकता है, कोई भी उद्योग, कोई भी सेवा, किसी भी तरीके से यहाँ पर क्या कर सकता है, काम कर सकता है। लेकिन राज्य के द्वारा कुछ, जैसे राज्य के अधीन किसी भी निगम के द्वारा जो चलाए जाने वाले या पूरे तरीके से कुछ उपबंध की यहाँ पर राज्यों को अनुमति दी है। जैसे अगर किसी नागरिक को कोई ऐसा निगम जो राज्य उसके साथ कोलैबोरेटेड है, अगर किसी नागरिक को वो उससे निकालना चाहता है, तो उसके लिए उसे एक रीजनेबल कॉज देना होगा, यानी कि एक ऐसा रीजन देना होगा जिसके आधार पर वो व्यक्ति को वहां से या तो उसकी जो सहभागिता है आंशिक रूप से कम कर दी जाए या पूरे तरीके से कम कर दी जाए। अगली बात करते हैं दोष सिद्धि से संबंधित, जो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, के संबंध में संरक्षण, ये दूसरा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो अधिकार है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए दोष सिद्धि से संबंधित जो संरक्षण का अधिकार है ये दिया गया है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। आपको अगर ध्यान होगा लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो अनुच्छेद है उनमें दो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। जब आपातकाल होता है तो राष्ट्रपति इन अनुच्छेदों का स्थगन नहीं कर सकता है, यानी कि इन अधिकारों का स्थगन नहीं कर सकते हैं। बाकी सभी अधिकार स्थगन की स्थिति में यानी कि उन्हें कैंसिलेशन की स्थिति में वो आ जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 के संदर्भ में नहीं है। तीन तरीके के यहाँ पर अनुच्छेद 20 के अंतर्गत तीन तरीके के प्रावधान है, यानी कि तीन तरीके से संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें बात करें अनुच्छेद 20(1) की, यानी कि यहां पर जो प्रोटेक्शन दिया जाएगा, जो संरक्षण दिया जाएगा, वो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, मान लीजिए आज कोई एक अपराध किसी स्थान पर हो जाता है, एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं चोरी का, अगर आज की तिथि में उस चोरी के लिए 2 माह की सजा का प्रावधान है, आज मुकदमा चलता है, लेकिन ये मुकदमा चलते चलते क्या हो जाता है, 6 माह का टाइम
बीत जाता है। उस समय क्या था, 2 महीने की सजा का क्या था, प्रावधान था, लेकिन मुकदमा आगे चलता जा रहा है, 6 महीने बीत गए, 6 महीने बाद ये प्रावधान अगर बदल गया है और यहां पर सजा हो जाती है इस समय 1 वर्ष की, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि बाद वाला जो प्रावधान है या सजा जो है वो जो नई कानून व्यवस्था है उसके अंतर्गत सजा भी बदल जाए। नहीं, जिस समय अपराध हुआ था उस समय जो कानून था और उस कानून के अंतर्गत जो दंड का प्रावधान था वही व्यक्ति को दिया जाएगा, वही अपराधी को दिया जाएगा, बाद में जो होता है उससे उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि अपराध के समय जो कानून था उसी के अनुसार यहां पर उसको सजा होगी। दूसरा यहां पर है दोहरे दंड के अनुसार। दोहरे दंड से मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को, ये है इसके दूसरे भाग में, यानी कि अनुच्छेद 22 में, इसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसने अपराध किया है उसे एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। यानी कि उसे अगर उसने अपराध किया है तो एक ही बार उसको उस चीज के लिए पनिश किया जाएगा, एक ही अपराध के लिए 2 या उससे ज्यादा बार उसको पनिश नहीं किया जाएगा। फिर यहां पर आता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि आत्म संरक्षण की बात है यहां पर, या व्यक्ति को ये अधिकार यहां इसके अंतर्गत दिया गया है कि यदि वो ये चाहता है कि जो भी अक्यूज्ड है यानी कि जो भी अभियुक्त है वो अपने विरुद्ध जो भी विटनेस है उसे देने के लिए उसे विवश नहीं किया जाएगा, और दबाव बनाकर साक्ष्य देने को, मतलब केवल दबाव पूर्ण साक्ष्य देने को यहां पर उसे रिस्ट्रिक्टेड किया गया है अनुच्छेद 23 के अनुसार। अगर वो अपनी इच्छा से कोई भी साक्ष्य देना चाहता है, कोई भी विटनेस देना चाहता है तो वर्जित नहीं है, लेकिन अगर वो उस चीज के लिए एग्री नहीं है तो उसको वहां पर साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अगली बात करते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की, यही है वो अनुच्छेद व दैहिक स्वतंत्रता, जिसे, ये दूसरा अनुच्छेद है जिसे राष्ट्रपति के द्वारा स्थगित नहीं किया जा सकता, यानी कि अधिकार है जिसे राष्ट्रपति के द्वारा स्थगित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान, तो ये है अनुच्छेद 21, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये है जिसे किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को इसके अधिकार के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता मिली हुई है, और इसके अंतर्गत जो भी कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उस कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही कार्य किया जाएगा, उससे उसे वंचित नहीं किया जाएगा। सपोज किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिलता है, मान लीजिए एक उदाहरण, ठीक है, मृत्यु दंड मिलता है तो ये तभी संभव हो पाएगा जो कानून में प्रक्रिया दी गई है, जो कानून के अंतर्गत प्रोसेस दिया गया है उसी के अनुसार ऐसा कार्य किया जाएगा कि उसे प्राण दंड दिया जाए या उसके प्राण हर लिए जाए। अगर ऐसा उसमें नहीं विधान है तो उस व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता, मतलब उसकी प्राण की और जो शारीरिक स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता को, जो भी उसकी पर्सनल लिबर्टी है या उसकी लाइफ है, उसको किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अब अनुच्छेद जो 21 है, इसकी एक और विशेषता है कि अनुच्छेद 21 विधायिका और कार्यपालिका, इन दोनों के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। इसका संरक्षण नागरिक और विदेशी सभी के लिए होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आईएएस की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि जो अनुच्छेद 21 के अनुसार संरक्षण दिया गया है वो किनको है, केवल नागरिकों को या विदेशियों को भी है, तो ये दोनों को दिया गया है, विदेशियों को भी दिया गया है और इन्हें भी दिया गया है। अब क्या होता है कि जो संविधान, जो क्या नाम है, ये संरक्षण की बात है, इससे संबंधित एक मामला और था जो बहुत चर्चित मामला रहा था, मेनका गांधी बनाम भारत संघ का, 1978 की बात है, ये इस अनुच्छेद से संबंधित महत्वपूर्ण एक वाद था, एक महत्वपूर्ण केस था। रिजल्ट क्या रहा था इसका, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा था कि जो विधानमंडल के द्वारा कोई भी
कानून पारित किया गया है, यानी कि पारित किसी भी कानून के अधीन जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के आधार पर व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा, क्या लिख रहे हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई विधान नहीं है तो ऐसा व्यक्ति के साथ नहीं होगा, और यदि ये प्रक्रिया होती है तो फेयर होगी, रीजनेबल होगी और त्वरित यानी कि जस्ट होगी। तो ये एक तरीके का नेचुरल जस्टिस की यहाँ पर बात की गई है। नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड ये यहाँ पर एक वाद गए निर्णय आया था, उसकी बात यहाँ पर हुई है। इसके बाद क्या है कि कोई भी व्यक्ति है उस व्यक्ति को विदेश जाने का अधिकार है, यानी कि व्यक्ति यदि विदेश जाना चाहता है, छुट्टियां जब भी शेड्यूल आता है तो विदेश जाने की इच्छा है, तो हमारा जो अधिकार है ये कि हम कहीं जा सकते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश भी जा सकते हैं, और विदेश में भ्रमण करने का अधिकार मूल अधिकार घोषित किया गया है। ठीक है, फिर इसी में आता है कि कुछ परिवर्तन हुए, जैसे हमने यहाँ पर कहा रोजगार संबंधी भी थे, तो रोजगार में ना हर तरीके का आता है। जैसे आप कोई व्यवसाय लेना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं, तो अगर अपनी इच्छा से आप क्या कहना चाहिए कि आप अगर रोड पे ठेला लगाना चाहते हैं तो किसी भी तरीके के आप ठेले के माध्यम से चीजें बेचना चाह रहे हैं, या हर चीज की अनुमति यहाँ पर दी गई है। इसके बाद आपका जो अगला भाग है यानी शिक्षा पाने का अधिकार है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत यहाँ पर शामिल है। निशुल्क शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है, लिख ही देते हैं, चलिए क्योंकि हालांकि जानते हैं लेकिन लिख ही देते हैं, शिक्षा का अधिकार। ठीक, कुछ और मूल अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे ना रोड साइड पे, जैसे कई बार आपने देखा अतिक्रमण किया जाता है, तो सबसे पहले इन रोड साइड्स पे जो ठेले लगे हुए होते हैं, इन रोड साइड्स के जो भी बिजनेस हो रहा है रोड पर स्पेशली, उनको हटा दिया जाता है, क्योंकि जो रोड साइड पर बिजनेस हो रहा है जिसे हम अतिक्रमण के माध्यम से हटाया जाता है, तो रोड पर बिजनेस करना अनुच्छेद के अंतर्गत हमारे मूल अधिकार में नहीं है, बल्कि ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 21 के अंतर्गत मूल अधिकार में नहीं है, बल्कि 19(6) के अंतर्गत मूल अधिकार में है, जिसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है किसी भी प्रकार के रोजगार को करने की। अब निशुल्क विधिक अधिकार कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट यदि कोई व्यक्ति ये प्राप्त कोई कानूनी सलाह लेना चाहता है तो उसका अधिकार यहाँ पर उसको दिया गया है। किसी भी तरीके की निशुल्क खाद्य सामग्री वो प्राप्त करना चाहता है तो ये खाद्य सामग्री निशुल्क प्राप्त करने का अधिकार उसको है। उसका फोन टैप करना अनुच्छेद 21 के ही अंतर्गत गलत है, यानी कि उसका जो निजी एकांतता या प्राइवेसी का जो अधिकार है ये उसमें अतिक्रमण माना जाता है, इसीलिए फोन टैपिंग पे बार बार केसेस होते हैं, कहा जाता है फोन टैप किया गया फलाना, जो भी आप राजनीतिक स्तर पर सुनते आते हैं। फिर है अनुच्छेद 21 की एक और महत्वपूर्ण बात है, हम कहते हैं जीवन का अधिकार वो देता है, लेकिन जीवन के अधिकार के साथ एक बार क्रॉस क्वेश्चन आया है एग्जाम में, क्या वो मरण का अधिकार देता है, तो मरण का अधिकार नहीं देता है, यानी कि मरने का अधिकार नहीं देता है, केवल जीवन का यानी कि जीने का अधिकार देता है। उसके बाद धूम्रपान को भी निषेध जो कहा गया है वो अनुच्छेद 21 के ही अनुसार धूम्रपान निषेध है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं। अगली बात यहाँ पर करते हैं, चलिए फिर से कंटेंट पर आते हैं, शिक्षा के अधिकार की। यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, और अनुच्छेद 21 में एक उपखंड जोड़ा गया, और वो क्या जोड़ा गया, क। तो अनुच्छेद 21 क के अनुसार जो शिक्षा है, शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष की आयु के जो भी बालक हैं उनके लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध यहाँ पर किया गया, और ये जो शिक्षा का अधिकार है ये 1 अप्रैल 2010 से इम्प्लीमेंटेशन में भी आ गया। अब इसमें क्या हुआ,
कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा अनुच्छेद 45 की जगह एक नया अनुच्छेद बनाया गया और उस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों को कुछ निर्देश दिए गए जिसमें कहा कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का प्रयास जो कौन करेगा, राज्य करेगा। अब इसमें अनुच्छेद 51 का जो है आगे आएगा, हालांकि यहां पर उसका जिक्र करना जरूरी हो जाता है इसलिए ऐड कर ले रहे हैं। अनुच्छेद का में एक उपखंड को जोड़ा गया ट को, तो इसके अंतर्गत ये कहा गया जिसे 11वां मूल कर्तव्य के रूप में यहां पर जोड़ा गया था, ये क्योंकि मूल कर्तव्यों से संबंधित है, तो इसमें ये कहा गया था कि जो भी पेरेंट है या जो भी अभिभावक है उसका मूल कर्तव्य ये है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो भी बालक है, जो भी बच्चे है, उनको शिक्षा दी जाए। अनुच्छेद 22 की बात करें तो अनुच्छेद 22 के अनुसार यहाँ पर प्रोटेक्शन यानी कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्राप्त किया, प्रदान किया गया है। गिरफ्तारी और निरोध यानी कि निरोध, डिटेंशन और अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया गया है, ये बात कही गई है अनुच्छेद 22 में। इसके अनुसार जो अनुच्छेद 22 को अगर हम कहें तो अनुच्छेद 22 एक तरीके का कम्प्लीमेंट्री अनुच्छेद है अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया था स्पष्ट हो जाएगा। जैसे अनुच्छेद 21 जो था, अनुच्छेद 21 में यह कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का प्रोटेक्शन देगा, दिया जाएगा, लेकिन उसे विधि द्वारा जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी लॉज होंगे उनके अनुसार ही उसकी जो अगर उसे वंचित करना है, उसे वहां से डिनाई करना है उसकी प्राण उसकी लाइफ को, तो वो केवल जो वैधानिक प्रक्रिया है उसके द्वारा ही होगा। लेकिन अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि यहां पर कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनका वो उल्लेख करता है और उसमें वो ये कहता है कि जो जैसे किसके अनुसार क्या था, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता विधि के द्वारा स्थापित होगा तभी उसे वहां से क्या किया जा सकता, वंचित किया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 22 के द्वारा जो प्रदान अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं उनमें क्या है, पहली एक तो ये है कि जो पनेटिव प्रोसेस होती है उसकी बात कर लेते हैं। पनेटिव प्रोसेस यानी कि सामान्य दंड की जो प्रक्रिया होती है वो यहां पर होगी, ठीक है। अनुच्छेद 22 के अनुसार यहां था कि उसे कानून या विधि के अनुसार ही किसी तरीके से छेड़छाड़ की जा सकती है, अदरवाइज प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है उनमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होगी। 22 ये कहता है कि दो तरीके से यहाँ पर स्वतंत्रताएं, जो भी अधिकार या स्वतंत्रताएं हैं वो उपलब्ध कराई गई हैं। एक है पनिटिव यानी कि सामान्य दंड की प्रक्रिया और एक है प्रीवेंटिव। प्रीवेंटिव प्रीवेंटिव यानी कि निरोध की प्रक्रिया यानी कि उसे प्रोटेक्शन देने की प्रक्रिया। अब जो अनुच्छेद 22 का एक और दो खंड है उनमें सामान्य दंड की प्रक्रिया है यानी कि जिस गिरफ्तारियों पर लागू होगा, जैसे व्यक्ति को ये जानने का अधिकार होगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, उसे किस व्यक्ति से परामर्श लेने की आवश्यकता है यानी कि वो अपने वकील से बात करना चाहता है तो उसे दिया जाएगा, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसे उपस्थित होना होगा और 24 घंटे से अधिक समय तक उसे कैद नहीं रखा जा सकता है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत है। लेकिन 22-3 के अनुसार क्या किया गया है कि जो ये चीजें लागू नहीं होंगी उन लोगों पर लागू नहीं होंगी जो इंटरनेशनल एनिमी है और जिनको सुरक्षा नहीं मिलती है यहां पर प्रिवेंटिव के अकॉर्डिंग। अब जो 22-4 भाग है, ये 22-4 के अंतर्गत दिया गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो विश्व के अन्य देश हैं केवल आपातकाल के अंतर्गत ही ये जो प्रिवेंटिव व्यवस्था है वो लागू की जाती है, लेकिन भारतीय संविधान में आपातकाल और शांति दोनों के समय ये व्यवस्था लागू की जाती है, ठीक है। तो एक तरीके की प्रिवेंशन प्रोसेस है, प्रिवेंशन कार्यवाही है जो संविधान में बताई गई है अनुच्छेद 22-4 के अनुसार। इसके अनुसार क्या प्रावधान किया गया है कि गिरफ्तार जो व्यक्ति होगा उसे 3 महीने तक वहां पर रखा जा सकता है, ठीक है, और जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसे जल्दी ये बताया जाए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। साथ ही वो रिप्रेजेंटेशन जो उसके अंतर्गत कर सकता है गिरफ्तारी के आदेश के विरुद्ध, वो अधिकार उसे है कि वो रिप्रेजेंटेशन के लिए
फ्री है वो रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। लेकिन यहां पर भी क्या है, दो तरीके की कंडीशंस होती हैं कि जब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का जो भी सलाहकार बोर्ड होता है, अगर वो चाहे कि उसे पर्याप्त कारण नहीं मिल रहे हैं तो ये चीजें उसे नहीं दी जा सकती हैं, मतलब बाध्य किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, बहुत ज्यादा डिटेल इसके बारे में नहीं करेंगे। अब क्या होता है, जो ये जो अधिनियम आया था इसी से संबंधित एक अधिनियम भी आया था, 1950 में आया था, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया गया था कि जो भी शक्ति है इससे संबंधित, यानी कि संसद के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, और उसी से संबंधित कुछ अधिनियम बनाए गए थे जिनमें ये 1950 का हमने कहा। उसके बाद क्या था, कुछ और अधिनियम यहाँ पर बनाए गए थे जिनमें है मीसा, आपने नाम सुना होगा, मीसा आया था, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, और मई में था ये, 7 मई। ठीक, इसके बाद इसको कानूनी दर्जा दे दिया गया था जब ये आ गया था। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति को अगर वो किसी से सलाहकार मंडल के सलाह के बिना आपातकाल में, यानी कि इमरजेंसी में 21 महीने तक नजरबंद किया जा सकता है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ और 1979 में इसको समाप्त कर दिया गया। अगली बात करें इसी से संबंधित, जैसे डिटेंशन एक्ट की हमने बात की थी, जो प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट है 1950, नजरबंदी की अवधि उसमें निश्चित की गई थी अधिकतम 1 वर्ष की, जो 1950 में आया था, जो अभी शुरुआत में कहा उसमें अवधि ध्यान नहीं रही थी, लेकिन उसमें अवधि क्या था, 1 वर्ष तक की थी, लेकिन मीसा में वो अवधि थी 21 महीने तक की। इसके बाद आया था राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को सामान्य भाषा में जाना जाता है रासुका के नाम से, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम से जाना जाता है, एक अध्यादेश था। इसका उद्देश्य था कि जो भी देश की एकता अखंडता है या जो भी सुवर्निटी है उसके लिए जो भी लोग खतरा पैदा करते हैं उनके विरुद्ध यहाँ पर कार्यवाही की जा सकती है। फिर आया था टाडा, नाम सुना ही होगा आपने टाडा का भी, आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि निरोध अधिनियम, ये आया था 1985 में। टाडा मतलब टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन, प्रिवेंशन था तो ये प्रिवेंशन यहाँ था, शॉर्ट फॉर्म हो गई इसका टाडा। इसका उद्देश्य ये था कि जो भी आतंकवादी संबंधी गतिविधियां हो रही हैं 1985 में आया था, उन गतिविधियों पर रोक लगाना और अभियुक्त को यानी कि 6 महीने तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता था, और एक बार जो भी उसका दंड अधिकारी होगा उस दंड अधिकारी के समक्ष उसको उपस्थित होना था, और उसके बाद अगले 180 दिनों तक फिर से, यानी कि 6 महीने तक उसे फिर से हिरासत में रखा जा सकता था। तो 23 मई 1995 की बात है, इसकी अवधि समाप्त हो गई जितने अवधि के लिए कानून बनाया गया था, और फिर उसके बाद ये कानून भी समाप्त हो गया। ऐसे ही पोटा है, पोटा था आतंकवाद निरोधी, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये आया था 2002 में। पोटा क्या था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, अंकुश लगाना था, इसका उद्देश्य ये था कि अंकुश लगाया जा सके आतंकवाद पर। लेकिन इसके अधीन जो भी मामले थे उनमें एफआईआर की पुष्टि पुलिस महानिदेशक और या जो संबंधित समीक्षा समिति होती थी उसके द्वारा की जाती थी, और इसके लिए 10 दिन और 1 महीने के भीतर आवश्यक कार्रवाई करना जरूरी हो जाता था। लेकिन 21 सितंबर को 2004 की बात है, 21 सितंबर 2004 को जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने एक अध्यादेश जारी किया और इस अधिनियम को उस अध्यादेश के आधार पर रद्द कर दिया गया। और फिर मतलब ये अधिनियम ना एक संसद का संयुक्त अधिवेशन हुआ था तब ये पारित किया गया था, ये ऐसे ही पारित नहीं हुआ था, संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से ये पारित हुआ था। फिर है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये आया था इसके बाद 2004 में, क्या है हिंदी में, गैर कानूनी यानी कि अनलॉफुल गतिविधियां, एक्टिविटीज
निरोधक या निवारण निवारण अधिनियम, ये आया था 2004 में, ठीक है, जब कोटा को समाप्त हो गया उसके बाद संशोधित करके एक और अध्यादेश जारी किया गया, उसके बाद से ये क्या हो गया था, ये प्रभावी हो गया था। इसमें था कि राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां होंगी उनके लिए इसी के अंतर्गत मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान किया गया था। अब एनआईए के विधेयक के साथ साथ कुछ गैर कानूनी गतिविधियां, कुछ संशोधन भी हुए, प्रस्ताव भी आए, क्योंकि जो मुंबई हमला हुआ था उस मुंबई हमले के बाद बहुत जरूरी हो गया था कि घटनाओं को उसके साथ बहुत मजबूती से लड़ा जाए, तो इसलिए फिर इसमें क्या किया गया, कुछ ऐसे क्लॉजेस भी एक्ट किए ऐड किए गए, मतलब दोबारा एनआईए के राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सिफारिशों के आधार पर इनसे निपटने के लिए विधेयक को दोबारा संशोधन के साथ प्रस्तुत किया गया था। फिर 31 दिसंबर की बात है, क्योंकि 26 नवंबर को ही अटैक हुआ था मुंबई पर, जो अटैक हुआ था, तो 21 दिसंबर की ही बात है, 21 दिसंबर को राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ये कानून क्या हो गया था, प्रभावी हो गया था, और इसी के अनुसार जो मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया था कसाब को, वो इसी के अंतर्गत किया गया था। यहाँ एक और बात है, हम निवारण जो निरोध की बात कर रहे हैं, प्रिवेंशन डिटेंशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा विषय है जिसे रखा गया है समवर्ती सूची में, यानी कि राज्य और केंद्र जो है दोनों इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। हालांकि कुछ राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया या जम्मू कश्मीर है, पहले ही इस तरीके के कानून उन्होंने बना रखे हैं। तो ये था तो स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत जो सरकार ने कुछ प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि स्वतंत्रता जब हमें मिलती है तो हम कई बार उसका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सामान्य सी बात है, छोटी छोटी एक्टिविटीज में भी हम इस चीज को देख सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज से फॉलो कर सकते हैं, फिर जहां राष्ट्रहित की बात होती है तो वहां पर इन्हें प्रिवेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो उस प्रिवेंशन के लिए सरकार ने कुछ ऐसे क्लॉजेस बनाए जिनसे कि उनको प्रिवेंट किया जा सके और उनको दंडित किया जा सके। साथ ही हमारे अधिकारों के अंतर्गत ये भी था कि जिसे दंड दिया जा रहा है उस व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो किस तरीके से अपनी सुरक्षा के लिए प्रयास कर सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है, अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, लगातार साथ बने रहिएगा। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।